जाप ने बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन एवं डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट का रेल का क्या चक्का जाम। जन अधिकार पार्टी जाप के द्वारा बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन एवं डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर दरभंगा जंक्शन पर दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट का रेल चक्का जाम कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज को बुलंद किया। इस दौरान आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता ने कहा कि सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति को हटाना बिहार के युवाओं के साथ विश्वासघात है। इससे बिहार के युवाओं के लिए अक्सर अवसर की कमी होगी या बिहारी युवाओं का अपमान है। सरकार की गलत नीतियों के कारण युवाओं का पलायन हो रहा है। यह बिहार सरकार का एक आत्मघाती कदम है। वहीं चुनमुन यादव ने कहा कि बिहार एक युवा प्रधान राज्य है एवं कल कारखानों का घोर अभाव है। ऐसे में राज्य के युवाओं के पास रोजगार के दृष्टिकोण से सरकारी नौकरी ही एक उपाय बचता है। ऐसे में बिहार में घोषित 1.70 लाख स्कूली शिक्षकों की बहाली की घोषणा से युवाओं में एक नई उम्मीद जगी थी, लेकिन सरकार की गलत नीतियों से स्पष्ट होता जा रहा है कि यह घोषित नियुक्ति बिहार के युवाओं के खिलाफ षड्यंत्र है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बीच में डोमिसाइल नीति को बदलना तकनीकी रूप से गैर कानूनी है। इससे बिहार के बच्चों के लिए अवसर की कमी हो रही है। रेल चक्का पूरे बिहार में राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत जाम हुआ है, जिसके तहत दरभंगा से नई दिल्ली को जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति को हम दरभंगा के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा जंक्शन पे रोकने का काम किया है। और जो बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें हम संशोधन की मांग करते हैं। और बिहार सरकार जो हिटलरशाही फरमान डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रही है उसकी मांग करते हैं। अगर अविलंब सरकार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को संशोधित करके डोमिसाइल नीति लागू नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जन अधिकार पार्टी के द्वारा और चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।